अभी अभी एपिसोड जो है वो शुरू हो गया है और एपिसोड के स्टार्ट की सबसे बड़ी खबर तेजरन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन आपके साथ शेयर करने आई हूँ यहाँ पे। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फीफा फूज, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, असलाम इश्क में ये गाने के ऊपर जो वेकअप कॉल होता है, सभी जन उठते हैं एंड उसके बाद जो तेजरन है हमें स्विमिंग पूल के यहाँ पे जो स्पा एरिया है वहाँ पे बैठ के बात करते हुए दिखाई देता है। और करण तेजा को कहते हुए हमने सुना है कि अगर मैं चाहता तो डेफिनेटली कल का जो गेम है वो मेरी तरफ मैं कर लेता, लेकिन जो वीकेंड के बार में हुआ मैं थोड़ा हिल गया और जिसके वजह से ना मैं फ्रीज था, मैं कुछ बोल नहीं पाया, वरना मैं डेफिनेटली बात करके शमिता रश्मि को अपने साइड लेने की कोशिश करता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कल का टास्क खेला ही नहीं, मैंने कल का जो टास्क है वो खेलना चाहिए था। इसके ऊपर कल का टास्क यानी ऑब्वियसली यहाँ पे जो बात हो रही है जॉम्बी वाले टास्क की, तो वहाँ पे तेजा कहती है यार तुझे लगता है सच में तू जीत पाता, तुझे लग रहा है लाइक तेरा कोई स्कोप भी था जीतने का, आई यू रियली श्योर अबाउट इट? तो करण जो है वो कहता है कि येस डेफिनेटली मैं जीत पाता, तुझे क्या लग रहा है यार, शमिता से ज़्यादा डिजर्विंग मैं हूँ एंड मैं क्यों कर निशांत के ऊपर भरोसा रखूँ, एज इन निशांत मुझे लगा मेरे लिए खेलेगा, 11 साल की दोस्ती वगैरह है, बट काहे की दोस्ती यार, वो मुझे पता है हमेशा अगर खेलेगा तो प्रतीक के लिए खेलेगा और शमिता के लिए ही खेलेगा और मेरे लिए कभी भी नहीं खेलेगा। पता नहीं मैं इतना अफेक्ट क्यों हो जाता हूँ, बट डेफिनेटली मुझे अभी रियलाइज़ हो गया कि मुझे अभी खेलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने देखा कि कल का ओब्वियसली कल का जो गेम था काइंड ऑफ माइंड से खेलना जाना चाहिए था, लेकिन करण को हमने क्लियरली देखा ही वॉज नॉट प्लेइंग वेल। और अभी हमारे सामने जो रीज़न है वो आता है और वो रीज़न होता है कि वीकेंड के वार पे जो डांट पड़ी है, जो क्लास ली गई है उसकी वजह से वो कर नहीं पाया। एंड यहाँ पे वो एडमिट भी करता है शमिता से ज़्यादा डिजर्विंग अगर कोई है तो डेफिनेटली वो टास्क डिजर्व करता है जीतना, और वो कर भी सकता अगर उसने गेम खेला तो। तो गाइस आपको क्या है कहना करण के इस बारे में, इस बारे में जो उसने बात की तेजा के ऊपर? डू यू अग्री कि करण कल जो गेम है अच्छे से खेल पाता अगर वो बोलता तो शायद रश्मि को अपनी साइड में कर लेता और अपने लिए खेलने के लिए बोलता, क्योंकि शमिता और करण में से अगर कोई जीतना होता तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम एंड तेजा कि वो जीतता, अदरवाइज नाउ वी नो वेर द पावर इज एक्चुअली गोइंग टू गो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? नीचे जल्दी से जल्दी कॉमेंट कीजिए और बताइए, देखते रहिए फीफा फूज। बाय बाय, टेक केयर।